बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 14 चावल की रोटियां का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें हम संधि और संधि के भेदों के विषय में संक्षेप में पढ़ेंगे। आइए चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर हम सर्वप्रथम देते हैं। विद्या में आलय शब्द को जोड़ने पर नया शब्द क्या बनता है? आप अक्सर विद्या और आलय दोनों में जोड़कर नया शब्द बना सकते हैं और आप जानते भी हैं क्या शब्द नया बनेगा। आप थोड़ा सा सोचकर बताएं। इसी प्रकार पुस्तक में आलय शब्द जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा? कोशिश करें नया शब्द बनाने की। आप पूर्व में बना भी चुके होंगे पुस्तक में आलय शब्द जोड़कर। पहले आपने अलग अलग शब्दों को एक शब्द बनाया। यहाँ पर एक शब्द है, इसको दो अलग अलग शब्दों में विभाजित करना है। अनाथालय शब्द को दो अलग अलग शब्दों में विभाजित करिए और बताइए कि दो अलग अलग शब्द कौन से होंगे। अनाथालय शब्द को अलग अलग विभाजित करके लिखिए। ये सभी शब्द आपसे परिचित हैं, आप आसानी से इनके उत्तर लिख सकते हैं। देव शब्द में ऋषि शब्द जोड़कर नया शब्द देवर्षि बनता है, क्या ये सही है या गलत? थोड़ा सा प्रयास करें, सोचें और उत्तर दें। धर्म शब्द में इंद्र शब्द जोड़कर धर्मेंद्र शब्द बनता है, आपको ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है? धर्म शब्द में इंद्र शब्द जोड़कर धर्मेंद्र शब्द बनता है, सही या गलत आप बताएं। नमस्कार बच्चों, आज हम लोग चावल की रोटियां पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम संधि और उसके भेद के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि, संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है बच्चों? संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल, जुड़ना। कभी कभी ऐसा होता, कहते हैं कि आपस में लड़ाई हो गई दो देशों के बीच में, अब उनमें संधि हो गई, यानी मेल हो गया है। तो यही व्याकरण में भी यही शब्द है कि मेल हो जाना। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, व्याकरण में संधि दो वर्णों में होती है। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। संधि वहां पे होती है जब दो अक्षर मिलते हैं, जब दो शब्दों के पास पास के वर्णों में मेल हो जाता है तब वह संधि कहलाता है। पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर दोनों आपस में जुड़ जाएं और दोनों शब्द आपस में जुड़ जाते हैं इसके आधार पर, तो वहां पे संधि होता है। जैसे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए, गज, गज का मतलब होता है हाथी, और आनन, आनन का मतलब होता है सिर। तो गज और आनन आपस में जुड़कर गजानन बन गया, गजानन, तो यानी कि हाथी जैसे सिर वाला। समझ लीजिए, यहाँ गज शब्द का अ और आनंद शब्द का आ में संधि हुई है, कि छोटा आ और बड़ा आ दोनों आपस में जुड़ गए और आ शब्द बन गया, गज प्लस आनंद, तो गजानंद शब्द बन गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि संधि है। दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं, महा प्लस आत्मा, मतलब महान जो आत्मा है दोनों आपस में जुड़ गया, महात्मा हो गया। यहाँ महा शब्द का आ और आत्मा शब्द का आ दोनों आपस में जुड़ गए और आ शब्द हुआ, तो यहाँ पे संधि है। आ और आ शब्द जुड़कर आ शब्द बन गया। यहाँ पर ये जो दोनों उदाहरण हमने देखे, इसमें
पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से परिवर्तन हो गया। ऐसे परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। तो अब संधि की परिभाषा क्या बनती है? देखिए, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। आप समझ लें कि दो अक्षर आपस में जुड़ गए और नया अक्षर बना, लेकिन शब्द होते हैं, शब्द दो शब्द होते हैं, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, दोनों जुड़ गए तो वहाँ पे संधि हुई। अब संधियाँ हम लोग पढ़ें तो संधियाँ कितने प्रकार की हैं? संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी भेद होते हैं, व्यंजन संधि के भी भेद होते हैं, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी पहले हमने संधि के विषय में जाना, अब हम संधि विच्छेद के विषय में समझते हैं कि विच्छेद का क्या मतलब होता है। अब संधि विच्छेद को समझते हैं क्या है। अभी आपने एग्जांपल्स में संधियों को समझा था, तो आप संधि विच्छेद को भी समझ लीजिए। संधि युक्त शब्दों को अलग करने की विधि संधि विच्छेद कहलाती है। विच्छेद का मतलब होता है अलग होना। जैसे स्वच्छ, तो स्वच्छ का विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस अच्छ। अगर सु प्लस अच्छ लिखा हुआ है, आपसे कहा जाए कि संधि करिए, तो आप स्वच्छ लिख सकते हैं। अगर कहें कि संधि विच्छेद करिए, तो आप दोनों जो शब्द हैं उन्हें अलग अलग लिख लेंगे। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। पवन, पो प्लस अन। अन्वेषण, अनु प्लस एषण। गायक, गय प्लस अक। पावक, पौ प्लस अक। स्वागत, सु प्लस आगत। नाविक, नौ प्लस इक। गिरीश, गिरि प्लस ईश। इस प्रकार संधि अगर बनानी है तो शब्दों को आपस में जोड़ देंगे, और संधि विच्छेद अगर करना है तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। आइए अब हम संधि के भेद समझते हैं कितने हैं। संधि के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। पहला, जब स्वर आपस में जुड़ते हैं तो स्वर संधि, और व्यंजन जब आपस में जुड़े तो व्यंजन संधि। पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन हो सकता है, और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर स्वर भी हो सकता है। और विसर्ग संधि में विसर्ग का अह, अह में जब दो विसर्ग यूज होते हैं तो वहाँ पे विसर्ग संधि में विसर्ग वाला जो शब्द होता है जब जुड़ता है तो वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। आइए संक्षेप में हम स्वर संधि के एक दो एग्जांपल्स पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। जैसे महा प्लस आशय, महाशय, दोनों में आ है और आ आपस में जुड़कर आ बना, और यहाँ पे ये स्वर है। कवि प्लस इंद्र, दोनों ई हैं, ई जुड़कर बड़ी ई बन गया, ये स्वर है। तो ऐसे ही जब शब्द होते हैं और अंतिम अक्षर या प्रथम अक्षर स्वर है तो वहाँ पे स्वर संधि होता है। व्यंजन संधि को समझ लें। दो शब्दों के मेल से व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दो शब्दों के मेल से व्यंजन का व्यंजन या व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन तथा स्वर का, स्वर तथा व्यंजन का, या व्यंजन तथा व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझ लें। सत प्लस आचार, सत तो जो है व्यंजन है, आ स्वर है, दोनों मिलकर आ दा बन गया, सदाचार। सत प्लस जन, तो प्लस ज मिलकर आधा जा और पूरा जा, सज्जन हो गया। दिक प्लस गज, दिग्गज। जगत प्लस नाथ, जगत नाथ। उच्चारण, तो प्लस चा, आधा चा पूरा चा, उच्चारण। उत्लेख, उल्लेख, तो लो बन गया। तो व्यंजन संधि के भी अन्य नियम हैं,
इनको हम पढ़ेंगे बाद में। अभी संक्षेप में आप समझ लें, अब विसर्ग संधि की बारी है। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन हो जाता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे पुनः प्लस जन्म, पुनः में ना के बाद विसर्ग है और पहला व्यंजन है तो पुनर्जन्म हो गया। निह काम, निष्काम, तो यहाँ पे ये विसर्ग संधि है, विसर्ग का प्रयोग है। विसर्ग का प्रयोग होने से ये विसर्ग संधि हो जाती है। हम संधियों के शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे और फिर नियम हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार संक्षेप में हम समझ लें, संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल, और दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि युक्त शब्दों को अलग करने की विधि संधि विच्छेद कहलाती है। और संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसी प्रकार स्वर संधि के भी पांच भेद होते हैं। आप आगे पढ़ेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आप अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम अपने पाठ में दिए गए अभ्यास को करते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता या मेल, और विच्छेद का शाब्दिक अर्थ होता है अलग करना। इस प्रकार जब दो वर्ण मिलते हैं आपस में तो संधि होती है। दो वर्णों के परस्पर मिलन के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। और संधि के तीन भेद हैं, अभी आप पहले समझ चुके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आप यहाँ पे समझ लें कि जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे संधि होती है, लेकिन जब शब्द आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पे समास होता है। हम समास के विषय में अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पे आगे की एक्सरसाइज को हम करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। यहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है, मैं, मेरे पिता और मेरी माता कल घूमने जाएंगे। यहाँ पे आप अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, मैं, अल्प विराम, मेरे पिता और मेरी माता कल घूमने जाएंगे, और लास्ट में पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। तुम जैसी करनी करोगे वैसा ही भरोगे, तो यहाँ पे भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। और तुम जैसी करनी करोगे, यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, वैसा ही भरोगे, थोड़ी बात पहले है, बाकी पूरी बात बाद में है, तो बीच में थोड़ी देर के लिए रुके, तो यहाँ पे हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। आप क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पे एक आश्चर्यजनक भावना है, तो यहाँ पे विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रयोग किया गया है, ज्यों का त्यों कहा गया है, तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, आकाश को छूने वाला, गगन चुंबी, नाव चलाने वाला, नाविक, अपना ही भला चाहने वाला, जो व्यक्ति अपना ही भला हमेशा चाहते हैं उन्हें स्वार्थी कहते हैं, सेल्फिश, जगत के नाथ, जगन्नाथ, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, कलाकारी करने वाला, कलाकार। इस प्रकार आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर लेंगे, और बाकी बची हुई जो भी अभ्यास है हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एक्टिविटी में संधि तथा उसके भेदों से संबंधित चार्ट बनाइए। आप संधि और उसके भेद लिखिए,
और उसका चार्ट बनाइए, एक दो उदाहरण भी साथ में लिख लीजिएगा। आपको स्मरण रहेगा, चार्ट बनाने से स्मरण करना आसान हो जाता है। और होमवर्क में भी संधि तथा संधि के भेदों की परिभाषाएं उदाहरण सहित याद कर लीजिए। और पेज 88 पर जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में और बुक में दोनों में साफ स्पष्ट रूप से लिख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में समास के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।